हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यूरोपियन यूनियन कैसे काम करता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कैसा उसका गवर्नेंस है, यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्टिंग से लेके अब तक हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन कैसा है? एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ब्लॉक है, कोहेसिव, मतलब एक दूसरे को जोड़ के रखने वाला। टोटल 27 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, जो इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी मुद्दों पे एक साथ काम करना चाहती हैं। स्टार्टिंग में मेनली वेस्ट यूरोप की कंट्रीज इसकी मेंबर थी, बट धीरे धीरे एक्सपेंड करके कुछ सेंट्रल और ईस्ट यूरोप की कंट्रीज भी इसकी मेंबर बनती गई। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव पीस को प्रमोट करना है। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट वैल्यूज, मल्टीलैटरलिज्म, ऐसे वैल्यूज को प्रमोट करना है। ओवरऑल जो यूरोपियन यूनियन की जनता है उसके वेलबींग के लिए काम करना है। जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, बॉर्डर इशूज आ रहे हैं, उनको दूर करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, जस्टिस को बढ़ाना है, ग्रोथ पूरे रीजन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। वैसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल प्रोग्रेस, प्राइस स्टेबिलिटी सब कुछ ध्यान में रखा जा सके, और किसी भी कम्युनिटी का एक्सक्लूजन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स यू के हैं। साथ साथ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना है, टेरिटोरियल कोहेशन को मेंटेन करना है, जो भी रिच डाइवर्सिटी है कल्चरल या लिंग्विस्टिक उसको मेंटेन करना है, और जो करेंसी चलता है यूरो उसको मेंटेन करना है, उसको बना के रखना है। इन सब जो भी ऑब्जेक्टिव है, इन सब के फैसिलिटेशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला यूके 2012 में। ठीक है, जो 27 कंट्रीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैप से आप देखोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। कभी एग्जाम में पूछा जाए, अगर जैसे मान लो लास्ट टाइम G20 के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया, हो सकता है यू के भी मेंबर आपसे पूछ दिया जाए, चार ऑप्शन दे दिए जाए। ध्यान रखना है यूके ऑलरेडी एग्जिट हो चुका था, यूके अब मेंबर नहीं है। उसके अलावा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, ये रहा स्विट्जरलैंड जो इसका मेंबर नहीं है, फिनलैंड, स्वीडन, और ये रहा नॉर्वे, नॉर्वे भी इसका मेंबर नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, बाकी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो यूरोप की हैं वो इसकी मेंबर है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ईयू, ईयू कैसे बना वो समझ लेते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, पूरा वर्ल्ड डेवेस्टेट हो चुका था, खासकर यूरोप तो बहुत ज्यादा डेवेस्टेट हो चुका था। यूरोप का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसका मिलिट्री और बाकी इकोनॉमिक कोहेजन के लिए, पॉलिटिकल टाइज को प्रमोट करने के लिए सिक्स कंट्रीज आपस में आई और सिक्स कंट्रीज ने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया। उनका मेन काम क्या था, कोल और स्टील कम्युनिटी बनाया, कि कोल और स्टील एक कंट्री से दूसरे कंट्री इजली जा सके, उसमें एक दूसरे का कोऑपरेट कर सके, इस ये इनका मेन पर्पस था तब 1951 में। और कंट्रीज कौन कौन सी थी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, साथ साथ वेस्ट जर्मनी, जर्मनी का वेस्ट वाला पोर्शन, क्योंकि पूरी जर्मनी नहीं थी, बीच में बर्लिन वॉल क्रिएट हो गया था, बर्लिन वॉल की वजह से ये वाला कम्युनिस्ट कंट्रोल में था, रशिया वाले कंट्रोल में था, यूएसएसआर कंट्रोल में था, ऐसा आप समझ सकते हो, तो ये वाला पोर्शन रह गया था। इसी के साथ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना था, जिसको पहले किसी और नाम से जानते थे, 2009 के बाद से यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जानते हैं। तो जब स्टार्टिंग में कम्युनिटी बना, वो बेसिकली किसके लिए बना, स्टील एंड कोल के लिए। स्टील एंड कोल के बाद 1957 में इन्हीं कंट्रीज ने मिलके दूसरा एग्रीमेंट साइन किया, और वो एग्रीमेंट एटॉमिक एनर्जी को लेके था, कि एटॉमिक एनर्जी को कैसे वो लोग बढ़ाएं, डेवलप करें, उसको यूज करें, और बचा जाए, जो बच जाए उसको दूसरी कंट्री में वो लोग सरप्लस को बेच सके। फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम से बनी। अब इसका मेन काम यह था कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर दें, कॉमन मार्केट बना दे, कस्टम यूनियन बना दे। तो पहले स्टील एंड कोल, फिर एटॉमिक जुड़ गया, और फिर एक तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की भी बात 1957 में इन्हीं सिक्स कंट्रीज के बीच में चलने लगी। बाद में 1965 में एक मर्जर ट्रीटी हुआ, जिसमें कोल और स्टील, एटॉमिक और ईईसी तीनों को मर्ज करने की बात कही गई, और एक यूरोपियन कम्युनिटी सिंगल क्रिएट करने की बात की गई। बाद में जब एक्सपेंशन होने लगा इस कम्युनिटी का, तो एक्सपेंशन से क्या बना, डेनमार्क आया, आयरलैंड आया, यूके आया, ये 1973 में इन लोगों ने उस पूरी यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन किया।
बाद में 1981 में ग्रीस ने भी ज्वाइन किया, पोर्टुगल और स्पेन ने 1986 में ज्वाइन किया। तो किसने कब ज्वाइन किया ये याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंडिकेटिव है। हाँ, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं आप उनको याद जरूर रख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ 1985 में, शेंगन एग्रीमेंट। आपने जरूर सुना होगा शेंगन वीजा, जिसके कारण ही यूरोप एक ओपन बॉर्डर कंट्री, यूरोप के कंट्रीज के बीच में ओपन बॉर्डर एस्टेब्लिश हो पाया कि आप अगर शेंगन वीजा ले लेते हो तो इन कंट्रीज में कहीं भी आ जा सकते हो, घूम सकते हो। इसके लिए तो शेंगन एरिया में पहले सिर्फ 5 कंट्रीज आई साथ में, 5 कंट्रीज ने इसके बारे में सोचा, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग है, नेदरलैंड की जो बॉर्डर कंट्रोल है वो काफी हद तक क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। फिर बाद में उसमें इटली, पोर्टुगल, स्पेन, ग्रीस ये कंट्रीज भी ज्वाइन हो गई। बट रियल इंप्लीमेंटेशन 1995 में स्टार्ट हुआ जब इंटरनल बॉर्डर चेक्स को एबॉलिश करने का आदेश दिया फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, पोर्टुगल और स्पेन ने। ये कंट्रीज ऐसे आपको याद रखने इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमलाइन आप समझ सकते हो कि पहले क्या हुआ और यू कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। ठीक है, सिंगल यूरोपियन एक्ट आया। सिंगल यूरोपियन एक्ट ये चाहा कि पूरे यूरोप में कॉमन मार्केट को वो लोग स्टैब्लिश कर दे। तो सिंगल यूरोपियन एक्ट का मेन मुद्दा ही यही था। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिटी, जिसको ट्रिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन भी कहते हैं, जिससे कि यूरोपियन यूनियन आया फंक्शन में, उसका नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी, जो 1992 में साइन किया गया। देखो 1992 वही टाइम था जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया था। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से कंट्री जो चाहती थी, जो पहले कम्युनिस्ट कंट्रोल में थी, वो चाहती थी कि चलो ठीक है अब अपना इकोनॉमिक जो भी रास्ते हैं वो अपना खोल लें और बाकी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें। तो कोल्ड वॉर खत्म होने के कारण यूरोपियन यूनियन काफी बल मिला। ये मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी के चलते यू सिटीजनशिप ग्रांट होने लग गया, मतलब एक यू का अलग से सिटीजनशिप जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके लोगों को। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन एक बन गया, वहां पे एक सेंट्रल बैंक भी बन गया। जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, तो वैसे ही पूरे यूरोप के लिए एक सेंट्रल बैंक बन गया और कॉमन करेंसी जो यूरो थी वो लॉन्च कर दी गई। ये इसी ट्रिटी से पॉसिबल हो पाया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट ट्रिटी है वो लिस्बन ट्रिटी। लिस्बन ट्रिटी का मेन मुद्दा ये है, मेन काम ये है कि कोई कंट्री अगर ईयू से अलग होना चाहती है तो वो कैसे अलग होगी, वो उसमें दिया गया। और इसी ट्रीटी का यूज करते हुए यूके क्या हुआ, ईयू से अलग हो गया, जिसको हम लोग पॉपुलरली ब्रेक्सिट इवेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो आप यू देख रहे हो, यूरो देख रहे हो, तो सारी कंट्रियां इससे अग्री नहीं हुई। जो कंट्रियां अग्री हुई वो सारे कंट्री मिला के क्या बन गए, यूरो जोन बन गए। ठीक है, यूरो जोन आपने जरूर सुना होगा, जिसमें यूरो एज ए करेंसी चलती है। अब बात आती है गवर्निंग बॉडीज कौन कौन से हैं यू के, यू में कौन कौन सी ऐसी बॉडी है जो मिला मिला के पूरा यूरोप का गवर्नेंस देखती है। तो पहला उसमें आता है द यूरोपियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। जो भी यूरोप की कंट्री जिसमें शामिल है उसमें जो भी लोग हैं पॉपुलेशन, वो डायरेक्टली इस यूरोपियन पार्लियामेंट को इलेक्ट करती है जो कि लॉ बनाता है। ठीक, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये इसमें गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट मतलब कि मान लो जो भी कंट्रीज वहां पे आती हैं, चाहे तो फ्रांस हो, चाहे तो जर्मनी हो, इटली हो, इनकी गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल दो अलग अलग बॉडी है वहां पे। यहाँ हेड ऑफ स्टेट आते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट के मेंबर भी आते हैं। इसका मेन काम क्या है, पॉलिटिकल डायरेक्शन देना, एजेंडा वगैरह को, पॉलिसीज वगैरह को, स्ट्रेटजी वगैरह को ईयू के लिए सेट करना। फिर आता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो नाम से क्लियर है, लॉ के कंप्लायंस के लिए होगा, जस्टिस डिलीवरी के लिए होगा। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का मेन काम क्या होगा, ऑडिट करना फाइनेंशियल, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखना, पैसे रुपयों का ऑडिट करना इनका मेन काम है। यूरोपियन इकोनॉमिक एंड सोशल कमिटी, इनका काम क्या है, सिविल सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज को पे ओपिनियन लेना, उस ओपिनियन को यू के सामने रखना और जो भी ओपिनियन है उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनवाना। कमिटीज ऑफ द रीजन, लोकल कमिटीज के ओपिनियन के लिए, लोकल अथॉरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ये कमिटी ऑफ द रीजन बनाया गया। ठीक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, जैसे आरबीआई है वैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक बनाया गया। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया गया कि इन्वेस्टमेंट को कैसे फैसिलिटेट करना है उसके लिए। ग्रीवियांस रिड्रेसल के लिए ओम्बिसमैन बनाया गया। इंडिया में ओम्बिसमैन का काम कौन करता है,
लोकपाल करता है, ठीक है, तो वैसे ही यूरोपियन ओम्बुड्समैन वहां बनाया गया। यूरोपोल, जैसे आपने इंटरपोल का नाम सुना होगा, वैसे ही यूरोपोल यूरोपियन पुलिस ऑफिस बनाया गया, जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये सारी एजेंसियां मिलजुल के सारा यूरोप का गवर्नेंस देखती हैं। तो आई होप आपको यूरोपियन यूनियन समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।